राजस्थान में कोरोना का प्रकोप कम रहा है, लेकिन सच कहूं तो लोग इस लॉकडाउन से परेशान हैं। अब कोरोना से उनको कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। कोरोना को भूलकर लोग अपने रोजगार और बढ़ती हुई महंगाई से चिंता में हैं। लोगों के ये हाल हैं कि इस फिक्र में नींद नहीं आती। शायद जिम्मेदारों को पता नहीं हो, लेकिन जो रोज़मर्रा के काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो ठेले वाले हों, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे ऑटो चलाने वाले हों, जो रोज़मर्रा रोज़ खाते हैं, उनके घरों के हाल बेहाल हैं। कोई नहीं चाहता अपने घर की महिलाओं को दूसरों के घरों में काम करने देना भेजना, कोई नहीं चाहता। लेकिन हाल ये है कि ये जो रोज़ कमा कर रोज़ खाते हैं, वो घर में बैठे हुए हैं और मजबूरी में उनकी महिलाएं लोगों के घरों का काम कर रही हैं, मजबूरी में। पता नहीं सरकार को लोगों की ये परेशानी दिखती है या नहीं। इसके बारे में कोई भी सरकार सोचती भी है या नहीं, पता नहीं। और जिस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि सरकार सोचती है। कोरोना कम हो, पॉजिटिव कम आए और राज्य की जो रिकवरी रेट है वो बढ़े, और रिकवरी रेट के अंदर राज्य पहले नंबर पर आए। बस ये राज्यों की सरकार की फिलहाल कोशिश है, जिसके अंदर राजस्थान भी लगा हुआ है। लेकिन इन कोशिशों में जो लॉकडाउन का डंडा लगाया हुआ है, उससे कितने घर बर्बाद हो रहे हैं पता नहीं। इस बारे में सरकार को पता भी है या नहीं, पता नहीं। पहले भी बता चुका हूं, मध्यम वर्ग की हालत बहुत खराब है, घरों में पैसा नहीं है, मुश्किल से घर चल रहे हैं। अगर रिसर्च की जाए तो इन पैसों की वजह से, इन तंगाई की वजह से पति पत्नी में आपस में झगड़े तक होने लगे हैं, परिवार तक बिखरने लगे हैं। लेकिन अपनी सरकार है कि बस एक काम उसने कर रखा है, पुलिस को सख्ती की छूट दे रखी है। पिला पुलिस बिना कुछ सोचे समझे चालान पर चालान बनाए जा रही है, ये सोचे बिना कि जिसका चालान बनाया जा रहा है उसके लिए अगर 100 रुपये भी चालान के लिए अगर देने हैं, तो वो 100 रुपये भी देना कितना दुश्वार है, कितना मुश्किल है। ऊपर से पुलिस द्वारा की गई बेइज्जती, उफ, चालान के रुपये जेब छलनी कर देते हैं। और मुसीबत के इस दौर में पुलिस का जो व्यवहार है ना, वो आत्मा तक छलनी कर देती है। एक साधारण आदमी, आम आदमी, जिसका काम नौकरी करना, अपना काम करना और घर आना, परिवार के साथ में स्वस्थ मस्त रहना, वो पूरी उम्र ये चाहता है कि उसका पुलिस से कभी वास्ता नहीं। और उसकी कोशिश भी ये रहती है और होता भी है, लेकिन इस लॉकडाउन की मजबूरी ने ऐसा कर दिया है कि हर नुक्कड़ पर पुलिस का डंडा उसको दिखता है और हर नुक्कड़ पे उसको उसका पुलिस से वास्ता होता है। 1 जून कल आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब 1 जून से मिनी अनलॉक शुरू करने वाले हैं। कम से कम ये चीज अनलॉक करने के पहले जनता से भी राय ले लेते, चाहे सोशल मीडिया पर ही सही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही। जैसे कि हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो राय ली, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब बड़े एक्टिव रहते हैं, तो एक बार जनता से ये चीज पूछ लेने में कहां बुराई थी। तब देखते हैं कि किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं जिनके बारे में सोचा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। चलिए देखते हैं मिनी अनलॉक में मुख्यमंत्री जी जनता का कितना ध्यान रखते हैं, या फिर अपने राज्य को रिकवरी में पहले नंबर पर देखने के लिए जनता की फिर से अनदेखी कर देते हैं और अपनी गाइडलाइन का डंडा कायम रखते हैं। देखते हैं।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।